हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को कैब जी की तरफ से एक प्यारी सी लवली सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फेस को आप लोग स्मूथ कर सकते हो और फुल HD में एडिटिंग कर सकते हो। तो आप लोग को इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल मैंने दे दिया है, आप लोग उस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर लें और पूरा फुल वॉच कीजिए इस वीडियो को, आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये आवाज़ में कोई तकलीफ होती होगी तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में हेडफोन या ब्लूटूथ को यूज कर ले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं वीडियो में। नेक्स्ट गो को एडिट करने वाला इस फोटो टिक करके हम इसको कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जिस फोटो को एडिट करने वाला था वो फोटो आ चुका है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम लोग अपने एक फीचर को लगाना है, ठीक है। तो फीसेट को लगाने के लिए मेरे पास ये फीसेट है, ठीक है दोस्तों। मैं इस फीसेट को यूज करने वाला हूँ। आप लोग अगर इस फीसेट को आप लोगों को चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, इस पर अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसको येलो टोन वाला फीसेट दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले यहाँ से करना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी पर क्लिक करना है और इसको हेयर को सबको हम लोग को टर्न कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसको इस करने के बाद बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद ऊपर आना है और जिस फोटो को आप लोगों को एडिट करना होगा उस फोटो को ले लेना है। तो मैंने इस फोटो को एडिट करना है तो मैंने इस फोटो को ले लिया है। आप लोग भी जिस फोटो को एडिट करना होगा उस फोटो को ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप लोग देखिए, हमारे पीछे जो मैंने कॉपी किया था वो हमारे फ़ोटो में पेस्ट करके आप कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को लाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। लाइट पर क्लिक करने के बाद इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। और कंटेस्ट को थोड़ा सा भी इसको भी बढ़ा घटा देना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, और शेड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कलर पर जाएंगे। कलर पर जाने के बाद आप लोगों को मिक्स वाले पर क्लिक करना है और इसको और रेड वालों को थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा ही बढ़ा देना है और सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है दोस्तों। सिचुएशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस येलो वाला टोन हल्का आएंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, ठीक है। और सिचुएशन को इसमें भी कम कर देंगे, ठीक है। और इसको लुमिनस को भी घटा देंगे, लुमिनस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको फ़ोटो में खुद अंतर दिखेगा, आपको लुमिनस को बढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर करने के बाद शेयर टू डिवाइस करना है। इसके बाद जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको शेयर करने के बाद आप लोगों को स्मूथ डायरेक्टली स्मूथ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट आप लोगों को स्नैपचैट में भेजना है, ठीक है। तो कई लोग जो होते हैं लाइट रूम के पीसेट लगाने के बाद डायरेक्ट स्मूथ करने चले जाते हैं, तो उस तरह से नहीं होगा। तो आप लोग उसके बाद लाइट रूम से शेयर करने के बाद स्नैपचैट में इसको शेयर कर देना है, ठीक है। मैं इसको स्नैपचैट में शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग भी स्नैपचैट में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो है कि स्मूथ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। स्मूथ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से तीर का निशान दिख रहा होगा, उसको आप लोगों को सही कर लेना है, ठीक है। यहाँ से टीर को निशान देना है, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको टूल्स वाले पर क्लिक करना है और टोन इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से और कंटेंट्स को थोड़ा सा घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। और सिचुएशन को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एल्बम्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, शेडो को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, ठीक है। -14 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स पर जाना है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना है। आपको प्लस 44 रखना होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा भी इसको पूरा फुल्ली कर देना है, ठीक है। उसके बाद टिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब HD बनाने के लिए आप लोग को HDR को इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको पूरा कम कर लेंगे। उसके बाद ब्राइटनेस पर जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, +8 रखेंगे। उसके बाद सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद इसको भी क्लिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद आप लोगों को ऑटोडेस्क में लेकर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको शेयर करके ऑटोडेस्क में ले जाएंगे और वहाँ से आपको
फ़ोटो को स्मूथ करना है, ठीक है। तो अभी जो देखिए एट्रोडेक्स में हमारा फ़ोटो आ चुका है, तो अभी जो है देखिए आप सभी को दिख रहा होगा हमारे फ़ोटो जो है ऑटोडेक्स में आ चुका है। तो अभी जो देख रहे होंगे आप लोग ऑटोडेक्स में मेरा फ़ोटो आ चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रश को सिलेक्ट करना है। अब कौन सी ब्रश चाहिए हमको आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला ब्रश दिख रहा होगा, इस वाले ब्रश को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, इसके सेटिंग पर जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद इसको आप लोगों को जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही ठीक आप लोगों को भी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है फॉलोवर को 8 रखना है, एक्सटेंशन को 8 रखना है, साइज़ को अपने हिसाब से कम बेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा और 8 रख लेंगे, ठीक है। और फॉलोवर्स को उतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे इसको स्मूथ करना है, और ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, एकदम स्लोली स्लोली इसको जो है आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, आपको पूरी डिटेल बताएंगे, और आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे, और कोई भी HDR वीडियो फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। कोई भी जो होगा तो आप लोग भी हमारी तरह या किसी भी फ़ोटो को HDR में बना सकते हो, ठीक है। हाई क्वालिटी को 4K, तो आप लोग भी HD क्वालिटी में फ़ोटो को बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आप लोग इसे से जो है अपने हिसाब से स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ कम ब्रश चलाना होगा, जैसे कि यहाँ हो गया आँख के पास, इसको ब्राइटनेस साइज़ को भी कम कर लेंगे, और अपने हिसाब से ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी स्लो ही कीजिएगा, और अपने फेस को स्मूथ करने के एकदम स्लोली स्लोली स्मूथ कीजिएगा, ज़्यादा फास्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फ़ोटो जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप लोग भी इस तरह से फ़ोटो को स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली देखो मेरा फ़ोटो पूरा फुल्ली HD में स्मूथ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वैसी तरह से वही सेटिंग देखे हैं, कोई बदलाव नहीं किए हैं, वही ब्रश है मेरा, वही सेटिंग है, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी फ़ोटो को स्मूथ कर लेना, ठीक है। देख सकते हो फुल्ली HD में स्मूथ भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो अगर आपको कहीं छूट गया लगा होगा तो आप लोग वहाँ से आपको इस तरह से मेंटेन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो हूँ यहाँ से मेंटेन कर ले रहा हूँ, कहीं कहीं दाग लग रहे हैं, इसको दाग को मिटा ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को भी स्मूथ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों को सिंपली फ़ोटो को अगर आप लोगों को भी कोई कट वगैरह मारना होगा बाल पे, या अगर आप लोगों को बाल पे कट वगैरह मारना होगा, तो दोस्तों इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों को सेटिंग पे जाना है, ठीक है दोस्तों। तो सेटिंग में जाना है, उसके बाद इसको देख लीजिए, फॉलोअर्स को फुल रख देना है, एक्सटेंजर्स को पूरा फुल रखना है, और साइज़ को अपने हिसाब से साइज़ को अपने कम करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सीधा इस तरह से कर देना है, और इस तरह से डबल टैप करना है, उसके बाद यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको वही सेलेक्ट करना है, लाइब्रेरी में जाना है, और जो जिस ब्रश से आपने स्मूथ किया उस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस ब्रश को साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेना है, 6 पर रखना है। उसके बाद आप लोगों को इसको रिमूव कर देना है, बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे कट लग गया है, आप लोग भी इस तरह से कट लगा सकते हो, ठीक है। अभी जो है मेरा देखो यहाँ पर छूट गया है, इसको भी ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से स्मूथ कर लीजिएगा, और आप अपने बाल या किसी चीज़ पे कटिंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, शेयर कर लेना है, शेयर वाला पर क्लिक करके अदर पर क्लिक करना है। अदर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली भेजना है फिर से स्नैपसीड में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को स्नैपसीड में मैं भेज के दिखाता हूँ, स्नैपसीड में आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करना है, और टोन इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, और कंटेंट को कम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर लेना है, थोड़ा सा इसको कम कर लेना है, -2 रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने रख दिया, -2 रख लिया। एल्बम्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को कम कर देंगे,
हाईलाइट को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से। आप लोग को चेहरे या फेस पे जो है आप लोग को ब्राइटनेस चाहिए, हाईलाइट को कम कर देना, बढ़ा देना है और शेडो को भी थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद जब टूल्स पर क्लिक करेंगे, टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इस प्लस को टैप करके और इसको जहाँ भी लगे इस तरह से जूम करके यहाँ पर कर देना है। उसके बाद इसको भी ब्राइटनेस बढ़ा देना है, कंटेंट्स को कम कर देना है, सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद इसको क्लिक कर देना है, फिर इस फोन पे क्लिक करेंगे, फिर इसी पे फिर से क्लिक करेंगे, थोड़ा सा फ़ोटो को जूम कर लेंगे और आपको जहाँ भी लाइटिंग लगे और या आपको जैसी सिचुएशन ज़्यादा लगे उसको यहाँ से इस तरह जूम कर लेना है और इसको ज़्यादा कर देना है और कंटेंट्स को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। कम कर देंगे उसके बाद सिचुएशन को भी कम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसको सिचुएशन को भी कम कर देंगे, ठीक है, उसके बाद डन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप लोग इसको स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद ब्राइटनेस वगैरह सबको सेम मिला लेना है। उसके बाद टूल्स पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली आप लोगों को इस वाले ब्रश पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोजर को कम करने के -3 करना है, ठीक है। उसके बाद जिस जहाँ भी आपकी शॉर्ट हो या अगर बॉडी पार्ट में कहीं भी ब्लैक चीज़ दिखे उस ब्लैक चीज़ को आप लोग को उस ब्लैक पर चला देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ चला दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग जहाँ भी ब्लैक दिखे वहाँ चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन शॉर्ट पर जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से शॉर्ट जो है आप लोग ब्राइटनेस घट जाता है, ठीक है। इस तरह से सब पर चला देना है, ठीक है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ उसे चला देना है। उसके बाद इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद फिर से आपको वहीं पर टूल्स पर क्लिक करना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है, अब इसको सिचुएशन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिचुएशन पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करने के बाद अपने होंठ पर लगाएंगे इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इसे आप लोगों को लगा देना है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ऐसे लगा देना है, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद इसको भी ऐसे करके क्लिक करके डन कर देना, और आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है कितने HD में स्मूथ हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना होगा, फिर से इसको शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद आपको PicsArt में ले जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ से PicsArt ऐप को मैं भेज दिया, ठीक है दोस्तों। अभी जो मेरा बैटरी देख सकते हैं आप लोग 15% बचा हुआ है, तभी भी आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसे मेरे तरह फ़ोटो एडिटिंग कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो हमारा PicsArt में ऐप में जो है आ गया है फ़ोटो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, फ़ोटो को सेव करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हो, या अगर आपको इमेज बड़ा लगे या छोटा लगे तो आप लोग यहाँ से इसे कप करके कट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप सेव, यहाँ से जो आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को एक बॉर्डर, वाइट बॉर्डर दिखाने के लिए मैं आपको लोग बताने वाला हूँ। यहाँ पर फिट पर क्लिक करना है, फिट पर क्लिक करना, शेडो पर क्लिक करना है, शेडो पर क्लिक करना, इसको 75 इसको क्वालिटी के ऑपेसिटी को पूरा फुल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अभी मेरा डार्क मोड में था, अब देखिए यहाँ पर आ गया, इस तरह से साइड में बॉर्डर वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग ऐसे फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, सिंपली देख सकते हैं आप लोग कितना फुल्ली HD में फ़ोटो को एडिट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस फोटो को यहाँ सेव कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो ऐसे फ़ोटो एडिटिंग करके, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को फ्री में फ़ोटो को एडिटिंग फुल HD में करवाना होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल फ्री में फ़ोटो एडिटिंग करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।